हेलो एवरीवन। तो आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। सर, आईआईटी जेम का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, वजह से नहीं मिल रही है, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ड्रॉप अगर लेते हैं क्या आगे चल हमें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, नुकसान तो नहीं होंगे, हमारा CV तो ख़राब नहीं हो जाएगा? और अगर ड्रॉप नहीं लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, सारी बातें हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप कैटेगरीज में कुछ स्टूडेंट्स रख रहे हैं जो कंफ्यूज हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनमें IIT जेम का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और उनके एक अच्छी IIT मिल रही है, उनके लिए आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटी होंगी उनके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका IIT जेम का एग्ज़ाम क्रैक तो कर लिया है पर बहुत अच्छी IIT नहीं मिल रही है, या तो लोअर लेवल की IIT मिल रही है या फिर NITs मिल रही हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या IIT प्रीफर करनी चाहिए या फिर NIT प्रीफर करनी चाहिए। तीसरे वो टाइप के स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं, जिनका एग्ज़ाम में IIT का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ बट IIT नहीं मिल रही है पर NIT या फिर CUT के थ्रू कोई अच्छी कॉलेज मिल रही है, वो भी स्टूडेंट है। और फोर्थ वो टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है तो उनका IIT जेम का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, और अच्छा नहीं हुआ तो उनको क्या करना चाहिए, ना ही उनको कॉलेज अभी CUT में भी अच्छा नहीं हुआ, ना ही उसको कोई कॉलेज अलॉट हुई है, उनके लिए क्या करना चाहिए उस टाइप के। और फिफ्थ वो टाइप के जो उनको IIT जेम के बारे में पता ही नहीं है, IIT जेम का एग्ज़ाम क्या करता है या किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अभी BSc पास आउट हुए हैं और उन्हें लगता है, या BSc में थर्ड ईयर में हैं, उन्हें लगता है कि इस सर हमें IIT जेम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करें। सबसे पहले टाइप के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले उनका IIT जेम का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और उनको एक अच्छी IIT मिल रही है, अब उनकी आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि IIT में सेलेक्ट होने या ये जो IIT जेम का एग्ज़ाम है ये MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, इससे आपको कॉलेज मिलती है, जॉब थोड़ी मिलती है। और आपका फाइनल गोल क्या होता है, हमारा एम क्या होता है, एक अच्छी जॉब मिलना, यही तो होता है हर बच्चे का। इसमें हमें अब आगे MSc में एडमिशन लेने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं यही कहूँगा, इस फील्ड में अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपके लिए सबसे पहली चॉइस, हर बच्चे की चॉइस रहती है एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लेकर के। अच्छी रैंक तभी लेकर के आओगे जब आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप एक बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो। तो उन बच्चों को जिनका IIT जेएम का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, उन बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप गेट की तैयारी करें, क्योंकि गेट में आपको टॉप करना है या एक अच्छी रैंक लेकर के आनी है, जिससे आपको ONGC बार RDO इनमें जॉब आपको मिल सके। दूसरी बात, नेट की अगर हम बात करें तो नेट उसके साथ साथ पैरेलली में आपका हो जाएगा, नेट की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में ये मान के चलिए आपकी नेट भी तैयारी हो रही है, और वो नेट आप इजीली कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते पर गेट में आपको बहुत एफर्ट लगाने होते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरे टाइप के अगर स्टूडेंट की बात करें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, उनको एक तो IIT अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर मिल रही है तो IIT मतलब अच्छी नहीं मिल रही है, दूसरे NIT बहुत अच्छी मिल रही है, तो क्या उनको वो IIT में जाना चाहिए या NIT में जाना चाहिए, या दूसरा उनके मन में सवाल चलता है कि सर ड्रॉप लें या नहीं लें। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको IIT मिल रही है तो आप IIT ले लीजिए। IIT में कोई भी IIT अच्छी या बुरी नहीं होती है, सभी IITs अच्छी हैं, इसमें सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया है कि किसी ने कह दिया कि ये IIT अच्छी है, ये IIT, सभी IITs अच्छी हैं, वहाँ पे जो भी प्रोफेसर हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, और आपको सिर्फ खुद की मेहनत ज़्यादा करनी, हर जगह चाहे आप IIT बॉम्बे में पहुँच गए, IIT इंदौर में पहुँच गए, आपको करना क्या है, IIT बॉम्बे में जाके आपको ही मेहनत करनी है, और IIT इंदौर में अगर आप हो तो भी आपको ही मेहनत करनी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ में कितना सीख रहे हो। अगर आप सीखोगे नहीं, केमिस्ट्री को सीखोगे नहीं, तो ये मान के चलिए इस फील्ड में चाहे आप IIT से कर रखी हो या कहीं से भी कर रखी हो, आप जॉब नहीं ले पाओगे।
मान के चलिए आप अगर सीखोगे केमिस्ट्री को, हर एग्जाम को आप बहुत इजीली और बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर लोगे। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आईआईटी, सभी आईआईटी अच्छी है, आपको एक आईआईटी का टैग मिल जाएगा, वो सफिशियंट है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आईआईटी मिल रही है और एनआईटी मिल रही है तो आप आईआईटी को ही चूज करें। वो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट थे। अब थर्ड टाइप के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, जिनको आईआईटी तो नहीं मिल रही है पर एनआईटी मिल रही है उनको, तो क्या एनआईटी लेनी चाहिए? या फिर दूसरा ये भी है, सीयूटी के थ्रू आपको कोई किसी कॉलेज में आपको एडमिशन हो रहा है जो अच्छी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डीयू में एडमिशन हो रहा है, क्या हमें डीयू में या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी करनी चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए? तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको एनआईटी मिल रही है या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डी कोई भी कॉलेज मिल रही है, तो आपकी अगर इच्छा है एमएससी करने की, कंटिन्यू करिए, उनमें एडमिशन ले लीजिए। और आपका मन है सर नहीं मैं आईआईटी में ही जाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है आईआईटी में जाने का, तो क्या मैं एक साल ड्रॉप लेने से क्या मेरा करियर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मैं उनको कहूँगा आप चाहे ड्रॉप लेते हो या नहीं लेते हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका करियर। आप एक साल पहले एमएससी कर लोगे और एक साल बाद में एमएससी करोगे, इस चीज़ से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि एमएससी होने के बाद ये थोड़ी ना आपके पास जॉब है, एमएससी के बाद भी आपको जॉब के लिए तैयारी करनी होगी। हो सकता आप एक साल में आप क्रैक कर दो, हो सकता आप 6 महीनों में कर दो, हो सकता है आप एमएससी के टाइम पे ही कर दो, हो सकता आप 3 साल के लिए ट्राई करते रहो, हो सकता है कि आपसे हो नहीं, तो कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो आपको ड्रॉप अगर आप लेते हो तो इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अगर लगता है कि मुझे आईआईटी में ही जाना है और मैं एक साल ड्रॉप लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करके अच्छी आईआईटी में जा करके अपना ड्रीम अचीव कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा करिए उस चीज़ को। आप एक साल का ड्रॉप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि आपने एक साल ड्रॉप लिया है या नहीं लिया है। आपने एक साल पहले एमएससी किया है, एक साल बाद कर, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सीवी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा जितना आपके पास आप ड्रॉप नहीं लेते हो तब भी। बस फर्क क्या है कि आपको नॉलेज कितनी हो रही इस चीज़ की, इस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ेगा। आपको नॉलेज कितनी है इस चीज़ को देखना है कि नॉलेज केमिस्ट्री सीखनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि इस फील्ड में अगर आप आए हो तो इस फील्ड में जितनी आपको अच्छे से केमिस्ट्री आती है, आपके गोल उतने ही जल्दी अचीव होंगे। चाहे उसमें शुरुआत में बेस तैयार करने के लिए चाहे हमें 1 साल का टाइम देना पड़े, 2 साल का टाइम देना पड़े, कितना भी टाइम क्यों ना देना पड़े, हम उस टाइम को देंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, चाहे एनआईटी मिल रही या फिर कोई कॉलेज मिल रही है सीयूटी के थ्रू, आपको लगता है कि हमें यहाँ पे ड्रॉप लेना चाहिए, हमारा ड्रीम आईआईटी पहुँचने का, आप डेफिनेटली लीजिए ड्रॉप, पर आप उस 100% अपना दीजिए, उस केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करिए। अगर आप केमिस्ट्री को सीख गए तो आप हर एग्ज़ाम को ईजीली क्वालिफाई कर। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे आईआईटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बच्चा आईआईटी में पढ़ा है, एक बच्चा नहीं पढ़ा है, या किसी कारण थोड़े से मार्क्स से रह गया है और वो अदर यूनिवर्सिटीज़ कर लिया, तो मैं कहूँगा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको केमिस्ट्री कितनी आती है इस चीज़ से फर्क पड़ता है, ठीक है? अब कईयों के मन में ये भी सवाल चलेगा, सर हम ऐसा कर लेते हैं ना कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, मान लीजिए डीयू का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि डीयू में सर हमने एमएससी में सीयूटी के थ्रू एग्जाम एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया और उसमें हमने एडमिशन ले लिया, एडमिशन से हम एमएससी करते रहते हैं और साथ में पैरेलली आईआईटी जैम की तैयारी कर लेते हैं। अगर आईआईटी जैम में हो जाता है तो हम आईआईटी जैम में एडमिशन ले लेंगे, और नहीं होता है तो हम फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में पहुँच जाएंगे एमएससी के। तो मैं कहूँगा इस चीज़ से एक तरह से पार्ट टाइम हो गया। आप खुद सोचिए, जब आप एमएससी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी करना होगा, लैब में भी जाना होगा, वहाँ पे लैब में वर्क भी करना होगा, आपको सेमेस्टर के लिए तैयारी भी करनी होगी, वहाँ पे आपको फाइल्स बनानी होगी, असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, क्लास भी अटेंड करनी होगी, लैब में भी काम करना होगा, आपको वहाँ पे बहुत सारा काम आ जाएगा। और उन काम के साथ पैरेलल में आप सोचते हो मैं आईआईटी जैम की तैयारी कर लूँ, तो जो आप 100% दे सकते थे, 8 से 10 घंटे 12 घंटे आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ आईआईटी जैम में दे सकते थे, वो अब आप 3 से 4 घंटे ही दे पाओगे।
आप दे ही नहीं पाओगे। तो ये मत करिए, मैं पैरेलली आपके पास आईआईटी जेम की तैयारी कर लेता हूँ और वहाँ पे डीयू के लिए एमएससी फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम चलते रहना, ऐसा कर लेते। तो ये मत करिए, इससे आपको मैं यही कहूँगा आईआईटी जेम में अच्छी रैंक फिर भी नहीं ला पाऊँ। क्यों? क्योंकि आप अपन 100% दे ही नहीं रहे हो। आप आधा टाइम तो किस में दे दिया, एमएससी के सेमेस्टर को पास करने में, वहाँ पे क्लास अटेंड करने में, लैब अटेंड करने में, तो वहाँ पे कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं होगा। फिर आप ये मान के चलिए आप डीयू से ही आप कंप्लीट करोगे अपनी एमएससी, आईआईटी में फिर भी आप सेकंड में नहीं करवा। अगर आप ड्रॉप लेते हो, आप अपना 100% दोगे, 100% दोगे तो वहाँ पे सक्सेस होने के, आप अच्छी रैंक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। अब मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जो ना तो उनको सीयूटी के थ्रू कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है, वहाँ पे कोई एडमिशन मिल रहा है, ना ही आईआईटी जेम का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, ना ही एनआईटी मिली, ना ही आईआईटी मिली, तो अब क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना ही चाहिए, पर ये चीज़ ड्रॉप लेने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर डिसाइड करिए कि हमने एक साल की जो तैयारी की है क्या किया था, हम कि एक एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमें कौन सी ऐसी गलतियां की जिससे वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये आप जरूर अपने मन में सोचिए और उनके आंसर ढूंढिए। अगर आपके पास उन सभी चीजों का सॉल्यूशन है तो आप ड्रॉप लीजिए और कंटिन्यू करिए, और अगर आपके पास उन चीजों का सॉल्यूशन नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से आप अपना फील्ड चेंज कर देनी चाहिए, इससे दूसरी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर आप केमिस्ट्री सीख, क्योंकि और केमिस्ट्री नहीं सीखी और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी कर लिया, टैग ले लिया, डिग्री ले ली, क्या ही फर्क पड़ता उस चीज़ से, जब आपको केमिस्ट्री नहीं आती आपके पास कोई जॉब नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात है, आप उस चीज़ को सोचिए कि हमने एक साल में क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का सॉल्यूशन आपके पास है तो आप ड्रॉप लीजिए, एक साल तक जम के मेहनत करिए और आप कंटिन्यू करिए, फिर आप एमएससी में पहुंच जाइए, आईआईटी में पहुंच जाइए। अब वो स्टूडेंट जो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है बीएससी के टाइम पे, पता ही नहीं चलता कि आईआईटी जेम होता क्या है, आईआईटी जेम में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। हालांकि जो लोकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, लोकल सिटीज हैं, वहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि वहाँ पूरी ना तो टीचर्स स्टूडेंट्स को बताते हैं और ना ही स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में अवेयर रहते हैं, तो वो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। और बीएससी के बाद पता चलता है, यार मेरे गांव का ही, मेरे पड़ोस का ही जो लड़का था वो डीयू में पढ़ रहा था ना, या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जहां से पता चला और वो आईआईटी जेम में पहुंच गया, उसके थ्रू बाद में पता चला हमें जो है ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होता है एमएससी के लिए। तो बीएससी के बाद एमएससी एडमिशन लेने की सोचते हैं, तब सोचते हैं कि यार किस तरह से एमएससी में एडमिशन होता है, तब उस टाइम में पता चले कि यार हमें तो यहाँ पे एमएससी आईआईटी जेम आईआईटी में पहुँचने का एक और मौका होता है कि भाई यहाँ पे आईआईटी जेम के थ्रू, उस टाइम पे भी ऐसा हमें पता चलता है। तो उन स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस केमिस्ट्री की फील्ड में रहना है तो आपको ड्रॉप डेफिनेटली लेना ही है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस टाइम पे आप ड्रॉप लीजिए और आप अपने एक साल उस आईआईटी जेम की तैयारी को दीजिए। अगर आप वहाँ पे सक्सेस रहते हैं, मतलब आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप निकल जाओगे, आईआईटी पहुँच जाओगे, नहीं पहुँचते हैं तो आप सीयूटी के थ्रू अदर यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप लीजिए। तो ड्रॉप कौन कौन से ले सकते हैं बच्चे, या तो जिनको आईआईटी नहीं मिल रही है वो बच्चे ले सकते हैं, एनआईटी मिल रही है और उनकी इच्छा है, मेरा ड्रीम है कि वहाँ पे आईआईटी में पहुँच के पढ़ने का, एमएससी करने का, तो बच्चे ले सकते हैं। जिनको एमएससी में अभी पता चला है एमएससी के बारे में कि भाई आईआईटी जेम के एग्ज़ाम के थ्रू हमें एमएससी में एडमिशन मिलता है, आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलता है, तो वो बच्चे भी ड्रॉप ले सकते हैं। और जिनको आईआईटी मिल रही है उनको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी आईआईटी में पढ़ें और गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब किसी बच्चे को लगेगा कि सर मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मैंने पिछली साल कोचिंग ले ली थी, थोड़े से मार्क्स से रह गया, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग फिर से लेनी चाहिए? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, आप खुद सोचिए, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता है कि आप में कौन कौन सी वीकनेस, कौन से स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है भाई कोचिंग लेने से मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा,
वहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई होगा, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि नहीं मैंने एक साल कोचिंग ले ली, अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको, क्योंकि अभी पहले जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 30,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो वहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक बार कोचिंग ली तो दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऑनलाइन सिस्टम आने से बहुत मिनिमम फीस रहती है, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये इतनी फीस रहती है, तो उसको हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है और हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, इन टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कोचिंग के थ्रू करना चाहिए, चाहे वो क्वांटा केमिस्ट्री की क्लासेज के थ्रू हो या फिर अदर कोचिंग के थ्रू हो, आप कहीं से भी जैसा आपको लगता है वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करती है आईआईटी जेम के बेसिस, आईआईटी जेम की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ, एमएससी की है। अनूप सर आपको पढ़ाएंगे, वो भी आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं। अमित सर आपको पढ़ाएंगे, वो भी आईआईटी दिल्ली से। तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में उनका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, या उनको आईआईटी पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं या टैकल कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इसीलिए आईआईटी जेम की कोर्सेज की फीस भी हम बहुत अफोर्डेबल रखी हुई है। शौर्या बैच ऑलरेडी चला हुआ है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो भी बच्चा स्टूडेंट लेना चाहता है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़कर अगर पढ़ना चाहता है, तो इस शौर्या बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर, जिसमें आपको आईटी जेम की अगर फीस की बात करें हम, तो 2999 में आपको मिल जाएगा, CSIRNET जून 2499 में आपको मिल जाएगा, CSIRNET दिसंबर 3999 में आपको मिल जाएगा, आईटी गेट 4499 मिल जाएगा, एग्जाम बूस्टर जो होगा वो 999 में मिल जाएगा। एग्जाम बूस्टर है क्या, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं, लगभग हर टॉपिक के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जिसमें कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी हैं, और वहाँ पे आपको डी आपके पास ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं। वहाँ पे रिटर्न में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे क्लास स्लाइड हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, आईटी जेम के ले सकते हो, आईटी गेट के ले सकते हो, CSIRNET के ले सकते हो, 999 में आप ले सकते हो। फिर भी अगर कोई क्योरी रह जाती है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8285815185, या फिर 9717373074 पे आप कॉल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतनी ही चीज़ें रहने वाली हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, क्वांटा केमिस्ट्री चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितनी भी हमारी क्लासेज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस क्वांटा केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को आप जरूर को ज्वाइन कर लीजिए, क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज ऑफिशियल, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या इस QR कोड के थ्रू भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई रह जाती है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, 8285815185 पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो अपनी जो भी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा और मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब के ऊपर क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, सर ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो ये अगर आप पढ़ा दोगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वो हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक।